सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और यार अभी मैं जा रहा हूँ जावली। आज शिवू बुआ वगैरह आ रहे हैं घर, काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं, वो पूजा की शादी के बाद अब आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सामान लेने जा रहा हूँ, शिवू जी की फरमाइश आई है, पिज्ज़ा खाना है, लॉलीपॉप खाना है, तो उनके लिए वो सब लेने जा रहा हूँ अभी। तो जब वो आएगा मैं आपको दिखाऊँगा, भाई वो ना बहुत ज़्यादा तूफ़ान में लो चुका है। तो अभी हम चलते हैं और फिर करते हैं उनका वेट। मेरे को दे दो, ये आपने खाना है, ये मुझे दे दो ना यार, प्लीज़ दे दो यार। अच्छा वीरू को तो दे दो, ये आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो यार? अभी मतलब कि रात को बुआ वगैरह आए थे, चू वगैरह आए थे, तो हमने काफ़ी मज़े किए, खाए पिए, बातें करी बहुत सारी। और अभी मेरे को मेरे बाल ठीक नहीं लग रहे हैं और झड़ भी रहे हैं काफ़ी, इसलिए आज इनका आखिरी दिन है मेरे सिर के ऊपर, तो अभी इनका सफाया होने जा रहा है और साक्षी काटेगी मेरे बालों को। तो मैं बाल कटवाता हूँ अपने और उसके बाद दिखाता हूँ आप लोगों को अपना नया लुक। और क्या, और क्या, जो जो मरे पौधे थे वहीं पे सारे लगा रहे हैं, ये ठीक है, यहाँ पे ठीक है। मैक्सिमम पौधे जो मर चुके थे, सड़ चुके थे, वहाँ पे नए पौधे लगाए जा रहे हैं आज। तो यार फाइनली मैं कटिंग करवा के आ चुका हूँ, मतलब कि मैंने बिल्कुल छोटे बाल रखे हैं क्योंकि यार बाल झड़ रहे थे काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें ऑयलिंग करने में ज़्यादा हेल्प रहेगी। और मैं साक्षी से कटवाने थे पर एक्चुअली एकदम काम पड़ गया था मेरे को, तो मेरे को नीचे जाना पड़ा, पौधा रोपण का प्रोग्राम था तो वो मैंने किया और उसके बाद मैं सीधा गया कटिंग करवाने। अब मैं नहाऊँगा और ऑयलिंग करने में, चंपे करने में अच्छा लगा यार, बाल बहुत ज़्यादा जड़ चुके थे इसलिए मुझे ऐसा करवाना पड़ा। दूसरी बार जो मैंने ये ऐसा करवाया है और मैं नहाऊँगा जाके पहले। तो यार अभी मैं नहा चुका हूँ और मैंने अपनी हेयर ऑयलिंग भी कर ली है, नहाने से पहले भी थोड़ी सी करी थी, मतलब इसकी ऑयलिंग करनी पड़ेगी यार, काफ़ी ज़्यादा बाल ना ये गैप वो काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, तो अब करना पड़ेगा कुछ। और अभी मैं मिठाई खाता हूँ, खाना भी मैंने खा लिया है और अब मैं लोग की सीरीज देखूँगा और उसके बाद जाएंगे गेस्ट हाउस दोबारा से। तो यार भाई अभी मैं सो गया था, मतलब कि मेरे को एकदम बहुत अच्छी नींद आई थी और ऊपर से फिर बारिश लग गई तो मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करा। और ये क्या, अच्छा बाइक का टायर खोला है, मैं देख रहा हूँ कि बाइक पीछे से उठ रखी है और आगे को झुक रखी है। तो अभी मैं गेस्ट हाउस जा रहा हूँ और महाराज जी वापस आ गए थे, ये भाग गए थे वापस कोटी को, पर एक गाड़ियों से डरता है इसलिए आ गया था। तो मैं गेस्ट हाउस में काम वगैरह करता हूँ और देखते हैं व्हाट इंटरेस्टिंग हैपेंस। तो यार अभी मैं गेस्ट हाउस में था और मेरे कपड़े ज़रा गंदे हो चुके थे और तो मैंने टी शर्ट चेंज कर ली। और यार ये सिर में हाथ मारने वाली आदत भी धीरे धीरे करके छूट ही जाएगी क्योंकि बाल तो रखे नहीं है सिर में, तो इनको नरिशमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आज मैंने ऑयलिंग वगैरह भी की थी और मैं इसमें शाम को एलोवेरा वगैरह भी लगाऊंगा, देखते हैं क्या सीन होता है। बाकी चोटें तो बहुत ज़्यादा लग रखी है भाई और गर्मी से भी राहत मिल रही है। तो अभी फ़िलहाल मैं दोबारा से गेस्ट हाउस जाऊँगा, वहाँ पर काम वगैरह करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या सीन पानी बनता है शाम का। और यार भाई अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं पानी जोड़ने, मतलब कि काफ़ी दूर है, कोटी में 1 किलोमीटर आना पड़ता है हमारे को पानी जोड़ने के लिए। मतलब यहाँ पे हमारी पूर्वजों की ज़मीन है जहाँ से हम मतलब कि पानी जोड़ते हैं और यहाँ पे मतलब कि बहुत सारे पाइप लग रखे हैं। अभी तक हमारे यहाँ पे वो घर घर नल पता नहीं कौन थी जो स्कीम है वो नहीं पहुँची है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है पानी के बिना। तो अभी हम लोग यहाँ पर काम ही कर रहे हैं और इस ब्लॉग को भी समाप्त करते हैं क्योंकि यहाँ पर जंगल काफ़ी ज़्यादा घना है और मैं चप्पलों में ही आया हूँ। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें मेरी वीडियोस को।